भाई 129 अचीव कर लिया हमने। और कुछ हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक बाइकर। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बिल्कुल सेफ होंगे। आज वीडियो काफी ज्यादा बेहतरीन होने वाली है। बेहतरीन क्यों होने वाली है? फिर से मे बी फर्स्ट और सेकंड ऑन यूट्यूब होने वाली, क्योंकि आज खड़ी है मेरे पास एकदम नई नवेली टीवीएस अपाचे आरटीआर 310 विंगलेट आ चुका है। ये सब आपको पता ही है। और भाई बाइक काफी ज्यादा खूबसूरत हो चुकी है इस विंगलेट की वजह से। और ये भाई फंक्शनल है, ऐसे नहीं है कि टीवीएस ने बस ऐसे लगा दिया, ये सब मैं बता चुका हूँ। चलो इसको करते हैं साइड, आते हैं मेन चीज पे। आज हम करने वाले हैं इस बाइक का माइलेज टेस्ट 1 लीटर वाला। आपको एकदम देख के मजा आ जाएगा, और मजा आएगा तो आपको पता है ना क्या करना है, वीडियो पे लाइक करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे यार आप लोग, प्लीज थोड़ा सा सब्सक्राइब करो, सपोर्ट दिखाओ, प्यार बनाओ। और हम जा रहे हैं माइलेज टेस्ट करने। उससे पहले मेन चीज है, कुछ चीजें आपको चेक कराना, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जो इंट्रो होगा भाई, थोड़ा सा लोकेशन गड़बड़ है, गलत जगह पे हमारा पेट्रोल खत्म हो चुका है बाइक का, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा व्यू एडजस्ट कर लेना आप लोग। मेन चीज सबसे पहले आपको चेक कराते हैं बाइक का मीटर। और हाँ, टॉप स्पीड वगैरह आएगा, लेकिन होता क्या ना, जब तक कि 1000 चलती नहीं तब तक इसके मीटर अनलॉक नहीं होते, तो जल्दी से वो चेक करा देता हूँ। साथ ही मैं आपको किलोमीटर वगैरह भी चेक करा देता हूँ। उससे पहले ये चेक कर लो बोतल भाई, वरना बाद में लोग कहते हैं 1 लीटर वाली तो बोतल ही नहीं रही। ये देखो 1 लीटर दिख गई ना अच्छे से भाई, 1 लीटर अच्छे से है ठीक। और देखो होता है क्या है ना, कुछ लोग कहते हैं भाई 1 लीटर नहीं 1.25 है, लेकिन 1 लीटर आती है हमारे यहाँ। अब जल्दी से मीटर दिखा देते हैं आपको। देखो सबसे पहले मेन चीज देख लो, मीटर इसका लॉक है भाई, राइड मोड पे गए हम लोग ठीक। अब देखो रेन खुला है, अर्बन खुला है, स्पोर्ट्स करूंगा। ये देखो ये हुआ नहीं जब तक 1000 चलेगी नहीं ठीक, तो ये दिक्कत आती है। एक चीज और, अभी आपको बाइक वगैरह स्टार्ट करके सब दिखा दूंगा, लेकिन कुछ महान भाव से मैं हाथ जोड़ता हूँ, अभी तक वो ये बात नहीं समझ पाए कि साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर काम कैसे करता है। साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर में क्या होता है कि बाइक अगर गियर में होगी ना तब वो स्टार्ट नहीं होती है, न्यूट्रल में होती है भाई, स्टैंड पे न्यूट्रल में हो जाती है ठीक है। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखो, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, फिर से वही कमेंट आते हैं। या तो भाई वीडियो देख लिया करो पूरी, किसी और की देख लिया करो फिर कमेंट किया करो, बट गलत ऐसे कमेंट मत किया करो, हो सकता है किसी और को भी वो चीजें लगे ठीक है। तो अब जल्दी से आपको मीटर चेक करा देते हैं भाई, जल्दी से आना ठीक। पहले आप चेक कर लो, ये ट्रिप ए है, ध्यान देना ट्रिप ए है ये ठीक है, ट्रिप ए, इसको मैं चेंज नहीं करूंगा, ये जैसे चल रही वैसे चलेगी, 4.2 लिखा हुआ है ठीक। हम यहां से जाएंगे ट्रिप डिटेल्स में, ट्रिप बी देख लो आप लोग एक बार ठीक। ट्रिप बी को हम क्या करेंगे, यहां पे 4.2 इस पे भी लिखा हुआ है, ट्रिप बी को ना हम रीसेट कर देंगे। ये देखो ट्रिप बी रीसेट आपके सामने है, ट्रिप बी रीसेट हो चुकी है 0 ठीक। यहां पे ट्रिप ए आपको फिर से दिखा देता हूं, देखो 4.2 ठीक, टाइम भी देख लो 3:17 ठीक है, ये देखो 4.2 ठीक है। अब आपके सामने बाइक न्यूट्रल पे एक बार फिर से दिखा दो भाई, बाइक न्यूट्रल पे है कि नहीं ठीक। पेट्रोल वैसे भी रेंज वगैरह कुछ नहीं दिखा रहा, स्टार्ट कर देता हूं आपके सामने, फिर से एक बार ट्राई करता हूं, नहीं हो रही। की ऑन ऑफ करके लास्ट टाइम करके दिखा देता हूं आपको, देखो की ऑफ की ऑन की ठीक, मतलब पेट्रोल खत्म हो चुका है, देख लो ब्लिंक भी कर रहा है, तो पेट्रोल खत्म हो चुका है दिखा देना ठीक। पेट्रोल खत्म हो चुका है, हमारे पास 1 लीटर वाली बोतल है, अब हम इसमें डालते हैं। न्यूट्रल में थी ये भी चेक कर लिया आप लोगों ने, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए भाई, क्योंकि हमें टीवीएस वगैरह कोई पैसे नहीं दे रहा, तो हम चाहते हैं कि जो भी चीज बने एकदम जेन्युइन कंटेंट बने। ये है हमारा, इसको इसमें रखते हैं वरना पेट्रोल गिर भी जाता है ठीक। ये देखो अब पेट्रोल डालते हैं भाई, एक बार फिर से चेक करा दो वरना कोई कह देगा बोतल बदल दी है ठीक है। ये देखो ये हमने डाला, इंट्रो अनकट है भाई, लोग आ रहे हैं, लोकेशन थोड़ी सी गड़बड़ है, लेकिन फिर भी चलो एडजस्ट कर लेंगे। और एक तो भाई मुझे एक चीज समझ में नहीं है, लोग मतलब ऐसे घूरने लगते हैं, मतलब वीडियो बन रही है तो थोड़ा आगे पीछे हो जाओ, मतलब क्या बोलूं मैं, इतनी बार इंट्रो शूट कर चुका हूं ना, लेकिन वो कट करना पड़ रहा, तो फिर से मैं रीटेक ले रहा हूं, जगह गड़बड़ है, ये मेरी गलती है, लेकिन लोगों को भी समझना चाहिए कि अगर क्या बोलूं। चलो कोई दिक्कत नहीं, ये हमने डाल दिया पेट्रोल पूरा 1 लीटर आपके सामने, वीडियो अनकट है ठीक है। सेम उसी पोजीशन में बाइक खड़ी है, इस बोतल को फेंकेंगे नहीं, ये काम आएगी, और भी माइलेज टेस्ट हमें करने हैं भाई। इसको करते हैं बंद, सेम चीज
बाइक को करते हैं, देखो आपके सामने स्टार्ट करूंगा, सेम वही है, कुछ भी मैंने किया तो नहीं है ना। ठीक भाई, 5 मिनट का इंट्रो हो गया, ये देखो हो गई स्टार्ट, हो गई ना। वैसे अब जल्दी से गोप्रो लगाते हैं भाई, इंट्रो बहुत लंबा हो चुका है, और अपना माइलेज टेस्ट स्टार्ट करते हैं 1 लीटर वाला। सो भाई, इस बेहतरीन से अपाचे RR 310 पे बैठते हैं जल्दी से, और आपको फिर से एक बार मीटर चेक करा देता हूँ, आई होप दिख रहा होगा अच्छे से। ये देखो ट्रिप ए 4.2, कहाँ गया ये राइड मोड आ गया। ट्रिप बी 0, ठीक है बाइक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सर्विस से पहले माइलेज टेस्ट हो रहा है, ठीक हर कंडीशन में लगाएंगे, और देखो अर्बन ही मोड में चल सकती है, रेन अभी बंद है। आई होप आवाज़ वगैरह सब सही से आ रही हो। एक बोतल मैं पेट्रोल कैरी कर रहा हूँ कि कहीं पे भी कुछ दिक्कत हो तो भाई हम पेट्रोल डाल सकें। प्रॉब्लम देखो यहीं पे हुई थी, ऊपर चढ़ा रहा था कि किसी अच्छी जगह पे वीडियो स्टार्ट करेंगे, लेकिन पेट्रोल यहीं बीच में ही ख़त्म हो गया, तो हमने यहीं से नीचे लेके यहीं बना लिया, तो थोड़ा सा तामझाम हो गया, बट चलो कोई दिक्कत नहीं। चल कैसी रही है? अच्छी रही है। वाइब्रेशन कैसे? अभी तो हल्के से पिछली वाली से कम लग रहे हैं मुझे, अब पुरानी होगी तब का पता नहीं, अभी तो कम है। ये चलने में अच्छी, और विंगलेट कैसे वर्क कर रहे हैं नहीं बता सकता उतने सही से, अभी थोड़ा चला लूं बढ़िया से तो आइडिया लगेगा। ब्रेक अच्छे हैं नो डाउट, टायर अच्छे हैं नो डाउट, हवा काफ़ी तेज चली है तो मे भी मेरी आवाज़ थोड़ी सी गड़बड़ा सकती है। थोड़ा आगे चलता हूँ, भीड़ भाड़ वाले एरिया में भी चलाएंगे, हाईवे पे भी चलाएंगे, इसको भगाएंगे भी, हर कंडीशन में थोड़ा थोड़ा कोशिश करेंगे इसको चलाने की, तो आगे मिलते हैं आपसे, वरना वीडियो हमें ज़्यादा लंबी भी नहीं बनानी, 15 मिनट ठीक रहेगा वैसे। सो भाई बाइक चल चुकी है 3.5 किलोमीटर, टॉप स्पीड अभी हमने 73 अचीव की है, लेकिन अब भगाएंगे इस पर, और उसके बाद चलेंगे हम अर्जुनगंज। भाग रही है यार, थर्ड गियर में ही है। क्या भाग रही है भाई, लग तो रहा है हम विंगलेट वर्क कर रहे हैं ऐसा, 3 kg का डाउनफोर्स पैदा कर रहे हैं। कितनी लेकर गया मैं? 116 लेके चला गया, और कंटिन्यू भगा रहा हूँ। एक सौ चौबीस गई है, थोड़ा सा डाउन होते हैं। और हाँ भाई प्लीज़, आप लोग जो भी देख रहे हैं वो ये सब ट्राई मत करो, मैं भगा भी। सो भाई हमने कवर कर लिए हैं 6.6 किलोमीटर, अर्जुनगंज साइड आ चुके हैं, तो थोड़ा सा भीड़ भाड़ होगा और आराम से चलाएंगे। अब इधर हमारे शिवम भाई, सौरभ भाई, निशान भाई रहते हैं। सोच तो रहा था मैं उन लोग को भी बाइक दिखा दूँ, लेकिन यार शिवम भाई होंगे नहीं, निशान भाई सो रहे होंगे और सौरभ भाई भी सो ही रहे होंगे, तो क्या डिस्टर्ब करना, किसी और दिन बाइक दिखा देंगे उन्हें, जब उनकी BMW मांगेंगे रिव्यू के लिए तो दिखा देंगे उन्हें। चलने में कैसी है? चलने में मस्त है, थोड़ा सा मुझे पावर ऑनेस्टली बताऊँ तो पिछली वाली से तो ज़्यादा ही लग रही है, और यहाँ पे भाई थोड़ा सा भीड़ भाड़ भी है, आगे रोड वोड चौड़ी हो रही है यहाँ पे, तो सही है। इधर हल्का सा ट्रैफिक का भी वो होना चाहिए, ट्रैफिक में भी चलाना चाहिए जहाँ पर बार बार क्लच और ब्रेक यूज़ हो, तो यहाँ पर तो ठीक ठाक ट्रैफिक है। ये देखो भाई कट मार रहे हैं लोग इतने में ही, चलो आगे निकलते फिर मिलते, थोड़ा सा और चला लें भाई। मजाक में थोड़ा सा ज़्यादा ही रस मिल गया, ये तब से ये हमारे ट्रेलर वाले भैया आगे चल रहे हैं, इन्हीं के पीछे चलना पड़ रहा है। अब नई बाइक है, देखो ये R1 वाले भैया भी दबा गए हमें, तो सब हमें आगे पीछे से इधर से उधर साइड हो जा रहे हैं, क्योंकि हमें तो बाइक बचानी है भाई, दोबारा भी तो बाइक लेनी है शोरूम से। चलो कोई दिक्कत नहीं, जितना क्लच वगैरह यूज़ होगा उतना ही अच्छा है हमारे लिए। क्यों भाई, तो यहाँ पे ठीक ठाक ट्रैफिक था यार, मतलब ट्रैफिक वैसा वाला नहीं था जैसे दिल्ली मुंबई वगैरह में होता है, स्लो ट्रैफिक था, मूविंग ट्रैफिक था, स्लो था। वो भैया एक तो वो ट्रक ट्रेलर वाला जो भी है वो तब से आगे थे, तो ऐसे ही रो रो के चला रहे हैं हम, हर कंडीशन में मतलब अच्छे से ही एकदम टेस्ट हो जाएगी। लखनऊ में वैसे भी ना उस लेवल का ट्रैफिक नहीं मिलता जल्दी, यहाँ पे मोस्टली जो ट्रैफिक मिलेगा ना बस उसमें क्या होगा कि फर्स्ट गियर में सेकंड गियर में आपको रिंग के चलाना पड़ेगा, या तो बहुत ज़्यादा होगा तो सिग्नल पे खड़ा हो जाना पड़ेगा, तो वो सिग्नल पे खड़ा होना तो कोई ट्रैफिक है नहीं भाई, वो तो नॉर्मल चीज़ है। बाकी जैसे दिल्ली मुंबई में हम देखते हैं ना वीडियोज़ वगैरह में, वैसा अभी तो लखनऊ में उतना तो नहीं हुआ है भाई।
भाई सही बताऊँ इस ट्रैफिक में बोर हो गया यार, इसको धीरे धीरे चला के मतलब मन कर रहा है इसको भगाने का, लेकिन ऐसे ट्रैफिक में इसको भगा नहीं पा रहे, कोई नहीं। सो भाई बाइक देख लो आप लोग, आई होप दिख रहा होगा 20 किलोमीटर चल चुकी है। ठीक, अभी हम आए गोल सिटी में, और भाई गोल सिटी में क्यों आए हैं, एक ज़बरदस्त सी चीज़ दिखाने आए भाई, नाम आ जाए तो पैसे वापस तो हो नहीं सकते हैं क्योंकि आपने पैसे दिए ही नहीं है, मजाक करा भाई। ये घर देख रहे हो गोल सिटी में, इनकी वैल्यू पता है आपको कितनी है, बहुत पहले तो 9 करोड़ थी, सुनने में आया इनमें से एक कोई 30-40 करोड़ का बिका, बट वो नहीं, आपको एक मस्त घर दिखाने आया हूँ भाई मैं। अब देखो यार बाइक चला रहे बोर हो रहे, तो हमने कहा भाई कुछ चटपटा आप लोग को भी दिखाया, घर देखो ये, बस आप लोग घर देखते रहना यहाँ पे। एक घर जो मेन दिखाना था आपको, ये पहले घर देखो, ठीक कैसा लग रहा है ना, बढ़िया। ये देखिए आप, ये तो अभी बन रहा है, ठीक। अब आते हैं मेन घर पे भाई, ये वाइट वाला घर देखो आप लोग, मतलब इतना बड़ा सा, इतना प्यारा, नेक्स्ट लेवल। आगे पूरे पत्थर वगैरह लगे हुए हैं, पुरानी वाली मर्सिडीज भी खड़ी है भाई, बहुत प्यारा घर है, अगर सामने से देखोगे ना तब समझ में आएगा। तो ये भाई मुझे लग रहा है इसकी वैल्यू कुछ नहीं तो 30-40 CR बस इतनी होगी, तो यही मैंने सोचा भाई चलाना है हमें बाइक वैसे भी, तो कुछ आपको दिखा ही देते हैं। यहाँ से देखो आप लोग पूरा सब घर भाई, आप एकदम मतलब फार्म हाउस टाइप वाले, एकदम महंगे महंगे प्रॉपर्टी के रेट बहुत महंगे, तो घर का डिज़ाइन तो है ही तगड़ा, देख लो मस्त लगता है भाई, जैसे मूवी वूवी में सेटअप वगैरह देखते हैं हम लोग, हनुमान जी का वो झंडा लगा हुआ है। और यही नहीं, ये वाला देखो भी बन रहा है, और एक और जो बन रहा है ना उसका डिज़ाइन चेक कर लो आप लोग एक बार, देखना आप लोग ये वाला जो बन रहा है, ये भाई कुछ अलग ही बन रहा है भाई, ये वाला देखो, महल वल बन रहा है क्या, कोई विला 183 देख रहे हो भाई, ये नेक्स्ट लेवल बनेगा जब बन जाएगा, इसका लुक ही सबसे अलग है, बाकी भी अच्छे हैं, ये भी अच्छा है, वो वाला भी बहुत अच्छा था, लेकिन ये जो बन रहा है ना, हमने सोचा भाई कुछ यूनिक भी दिखाई दें आपको, लखनऊ की भी कुछ अच्छे अच्छे घर दिखाई दें आपको, इधर गोल्फ खेलने के लिए बनाए गोल्फ सिटी वालों के लिए जो महंगे हैं, जो पैसे वाले हैं। सो भाई बाइक जो है हमारी 23.1 किलोमीटर चल चुकी है, शहीद पथ पे हैं हम लोग, थोड़ा सा फिर से भगाएंगे बढ़िया से, और फिर हम निकलेंगे वृंदावन के साइड। और भाई गर्दन बहुत तेज़ दर्द हो रही, बहुत ही ज़्यादा तेज़, आदत ख़त्म हो गई ना ऐसे हेलमेट लगा, मतलब GoPro लगा के बहुत टाइम बाद में ऐसे ब्लॉग बना रहा हूँ। भाग रही है भाई, 129 अचीव कर लिया हमने, और कुछ वैसी वाइब्रेशन नहीं फील हुई हमें। और ये भैया कैसे रोड क्रॉस कर रहे हैं, पीछे कार आ रही है, साइड मिरर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो भाई बाइक को हम वृंदावन में लेके आ चुके हैं, क्योंकि अप्रॉक्स 27.7 किलोमीटर चल चुके हैं, तो हमने सोचा भाई पेट्रोल अगर ख़त्म भी हो ना तो इस बार सही जगह पे ख़त्म हो तो अच्छे से वीडियो को एंड कर पाएंगे, वरना पिछली बार जैसे ख़त्म हो गया तो भाई हो गया काम। बाकी बात करूँ बाइक चलने में काफ़ी अच्छी है, पहले भी अच्छी थी, वाइब्रेशन कम हो चुके हैं पहले मेरे हिसाब से, तो और अच्छा लग रहा है इसको चलाने में। प्लस इसका हैंडल क्लिप ऑन इतना अच्छा है ना कि आपको ज़्यादा ऐसे लीन नहीं होना पड़ेगा जैसे R15 में होते हो आप लोग। हेलो भाई, 30.9 चल के पेट्रोल ख़त्म हो गया यार इसका, बड़ी गलत जगह पे खड़ा हुआ, मतलब ख़त्म हुआ यार, कहीं छाँव में रहता उधर लगा नहीं सकता, उधर रिस्क है। ये देखो स्टार्ट करके दिखा रहा हूँ, ख़त्म पेट्रोल इसका ख़त्म हो चुका है, एक बार न्यूट्रल करके देखता हूँ भाई, तो पूरा पेट्रोल इसका ख़त्म हो चुका है। अब आपको फ़ोन से एक एक चीज़ चेक करा देता हूँ जल्दी से मैं। भाई आप सभी को मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ, इतनी मेहनत से वीडियो बनाई थी, गलती से मेरे से स्पेस के चक्कर में ना लास्ट वाली क्लिप डिलीट हो गई, मतलब इतना बुरा फील हो रहा है कि इतनी मेहनत करके बनाओ और एक क्लिप डिलीट हो जाए, तो क्या बोल सकता हूँ। 30.9 मतलब 31 का माइलेज दिया है बाइक ने, सॉरी भाई आप सभी।